हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है फ्राइडे फ्राइडे और डेट है 4th मार्च। ठीक है, आज मैं आया हूँ अपने रेगुलर टाइम पे जिम। जिम खाली है, अभी कोई है नहीं, म्यूज़िक भी बंद है, इसलिए थोड़ा सा आसानी हो रही है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो भाई बहुत हिम्मत करने के बाद इस टाइम पे उठाऊँगा आज। ठीक है, और आज पुराने दोस्त ही मिले हैं, तो आपको मिलाता हूँ कुछ लोगों से। आज सर मिले हैं, सर। ठीक है, हर सर मिले हैं आज। हर सर कैसे हो? बढ़िया। अरे इसमें कर लो, बढ़िया है भाई। बढ़िया हो? ये बताओ, बॉडी बनवानी है मेरी? है, बनवानी है मेरी बॉडी, बन जाएगी। आप सर हो गए, पता है आपको सर हो गए, देखो देख के कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। ओह माय गॉड, कोशिश करेंगे यार रखने की। ठीक है, अब से अपने वही प्रॉपर टाइम पे आएंगे जो पहले आते थे। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है, और प्रॉपर वही टाइम रहेगा जो पहले आते थे, 7:30 बजे आ गए, अपना 9 बजे तक खूब ज़बरदस्त की। ठीक है, आज मैं फुल बॉडी वर्कआउट लगाऊंगा। हालांकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2-3 दिन ही ऑफ रहा है जिम से, बट आज वीक, हाँ वीक खत्म होने वाला है, बस आज कल का दिन है, तो मैं सोच रहा हूँ फुल बॉडी वर्कआउट लगा लूँ एक एक सेट सबके। तो हर सी ऐसी है कि मैंने जो प्लान किया है कि अभी अगले 3 महीने या 6 महीने या 4 महीने तक थोड़ा सा सीरियस ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। सीरियस इन द सेंस ये है कि एक डिसेंट मसल मास है, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं, मान लो शोल्डर बढ़ गया या पेट बढ़ गया और कुछ चीज़ें कम हो रही हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, हम लोग पहले भी सीरियस ही थे, लेकिन मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि इस बार थोड़ा एस पे भी ध्यान देंगे। ठीक है, और पहले मैं वीडियोज़ नहीं बनाता था इतनी ज़्यादा, लेकिन अभी पूरा रिकॉर्ड रखूँगा। आज मैं थोड़ा सा आपको बॉडी चेक भी दूंगा अपना कि मेरा वेट कितना, क्योंकि मेरा वेट पूरा गिर चुका है इस समय। पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी गिर गया, मसल मास काफ़ी गिर गया, लेकिन एक डिसेंट मसल मास अभी अभी भी मैंने कैरी किया हुआ है। ठीक है, हर्ष का पूरा है, आज पूरी सर्दियों पर आया है ना। ठीक है, मेरा कितना था बाइसेप साइज कितना था? साइज हालांकि मैटर नहीं करता 16, 16. लेकिन फिर भी ठीक है, अभी मेरे हिसाब से 15 के समथिंग होगा। हाँ 15, नहीं 15.5 शायद ना भी पहुँचे, लेकिन वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। बस मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा मसल मास गिरा है, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बॉडी चेक दूंगा पंप होने के बाद। ऐसा नहीं है, कोई क्लिक बेट नहीं दूंगा कि ऐसा लटक के करा लिया कि और बाद में कि हाँ देखो अब ऐसे हो गए। वो मैंने यूट्यूब पर बहुत देखा है, वो वैसा नहीं होगा। ठीक है, जैसा है वैसा ही दिखाएंगे, और इस बार कोशिश करेंगे एप्स पे भी ध्यान दूँ। मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पहले ही मैं कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन एप्स में इतना ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाता हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लगता है कि क्या ध्यान देना चाहिए, कार्डियो डिसेंट कर ही लेते हैं हम लोग, तो जब कार्डियो हो जाता तो लगता है कि यार एप्स पे क्या ही करना फिर। चलो, लेकिन वो एक अलग की बात है, कोशिश करेंगे। तो चलो, आज वीडियो बनाने का ऐसा कोई सीन था नहीं, लेकिन हंस दिख गया तो मैंने कहा थोड़ा सा बना लेते हैं। टाइम अभी ज़्यादा है नहीं, 9 ऑलरेडी बज चुका है, बस आधे घंटे में मुझे करना जो भी करेंगे। ठीक है, पूरा नहीं होगा, लेकिन बॉडी थोड़ी वार्म तो कर जाएंगी, है ना। मंडे से मतलब प्रॉपर उसी टाइम पे आएंगे, 7:30 तक मैं आ जाया करूँगा। ठीक है, रात अभी डेलाइट सेविंग ऑफ है, तो ऑफिस एक घंटा लेट चल रहा है, पता होगा। ठीक है, जो लोग हैं कर रहे हैं काम, तो अभी 13 या 14 मार्च से मेरे हिसाब से वो खत्म होने ऑन होने वाला है, तो वही 2 बजे मेरी शिफ्ट खत्म हो जाया करेगी। तो उसके हिसाब से वो गर्मियाँ भी आ गई हैं, तो अब नींद इतनी तंगड़ी नहीं आती इतनी सर्दियों में आती थी। ठीक है, बाकी मैं वीडियो में कंसिस्टेंसी लाने की कोशिश करूंगा। हर्ष ने भी एक चैनल स्टार्ट किया, हर्ष किया है ना? अरे चला चला नहीं, चलाओगे नहीं, चला नहीं साथ, मतलब वीडियो रोल है नहीं, कैसे मतलब बनाओगे या छोड़ दिया बनाना, या जैसे अगर मैं मान लो बनाता हूँ तो बनाओगे? हाँ स्टार्ट करोगे साथ में? पता उससे क्या है, मुझे ऐसा लगता है वीडियो से एक मोटिवेशन मिलता खुद को कि हम पहले कैसे थे अब कैसे हैं। एक रिकॉर्ड में रहता है कि देखो हम पहले ऐसे थे अब ऐसे हो गए। ठीक है, एक मैंने अपनी फोटो देखी, मतलब हम 3 लोग बैठे हैं, हम तुम और तांशु, और भाई इसमें लेग्स इतने तंगड़े लग रहे हैं ना, तंगड़े से मतलब है मेरे हिसाब से। ठीक है, ठीक ठाक लग रहे हैं शॉर्ट्स में, और मतलब अब भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरे हैं, लेकिन फिर भी पहले काफ़ी अच्छे थे, तो देख के लगता है कि यार जो अभी कुछ महीने पहले की बात है तो वापस कर लेंगे। ठीक है, और आज पता मुझे इतना मोटिवेशन क्यों आया कि सुबह इतनी जल्दी आ गया मैं उठ के? आज मेरे बच्चे हुए हैं 3 महीने पूरे। अब मेरे मन में आया कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। मेरे मन में आया पार्टी तो मिली नहीं भाई, अरे मिल जाएगी यार, पार्टी नहीं दी है, नाटक करे नहीं नहीं पार्टी और कुछ सीन ही नहीं है, जब मर्जी चलो, परसों चलो संडे को। भाई देखो बाप बन चुके हैं, लेकिन हाँ किसी को इतना लगना नहीं चाहिए, बॉडी और सकल से जब तक कर सकते हैं तब तक मेंटेन करेंगे। चलो ज़्यादा पकाऊंगा नहीं, थोड़ा बहुत वर्कआउट दिखाऊंगा। हाँ हाँ ये मुश्किल तो काम है, और दूसरा मेरे कज़िन कज़िन को बेटा हुआ है, तो मुझे उससे ही मिलने जाना है, तो कोशिश करूँगा मैं आज ही मिलता चलूँ उससे, देखते हैं कितना हो पाता है।
फेलियर नहीं जाना था, ठीक है। फेलियर में किसी में भी नहीं गया हूँ, बहुत ही लाइट वेट था ये वेट, मेरे लिए कुछ नहीं है, ठीक है। बट अभी मुझे फटीक नहीं होना है, अभी रूटीन में आना है, ठीक है। हालांकि आज मिक्स वर्कआउट करने का कोई सेंस नहीं बन रहा मेरे लिए, क्योंकि मैंने केवल 2 या 3 दिन नहीं आया हूँ जिम, ठीक है। बट फिर भी मैं चांस लेके चल रहा हूँ, क्योंकि वीक के केवल 2 दिन रह गए। मैं चाहता तो अगर अपना रेगुलर वर्कआउट कर सकता था, लेकिन टाइम भी नहीं था, और मैंने सोचा चलो बॉडी वार्म कर लेते, उसके लिए मिक्स चाहिए। चेस्ट हो गया, अभी बैक करेंगे। बैक में भी बिल्कुल फेलियर नहीं जाऊंगा, बिल्कुल ठीक। 15 रेप सब में लेके चलूंगा, 4 सेट, उसके बाद 1 सेट शोल्डर, ठीक है। ये 3 करूंगा, ठीक है। उसके बाद हो सका तो 1 एब मारूंगा एब्स का 1 कर लूंगा, और मैं कोशिश करूंगा एब्स का रूटीन में आ जाए। मेरा बॉडी टाइप इतना सही है भगवान की कृपा से कि ज़्यादा फैट गेन होता नहीं है, ठीक है, सिंस बर्थ। मतलब हम लोगों के घर में सबका ही ऐसा है, तो मैं क्रेडिट नहीं लूँगा इसका, क्रेडिट मेरी जेनेटिक्स को जाता है। इतना फैटी बॉडी मेरी होती नहीं है, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट हाँ, अगर आपको शार्पनेस चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो बैक करते हैं। आज एक भैया मिले हैं, पहले भी हमारे साथ आते थे, बोल रहे हैं भैया कि आज उनका पहला दिन है। पहला दिन इन द सेंस है कि बीच में गैप हो गया था, जैसे मेरा हो गया, काफी लंबा गैप हो गया। तो अब हम और भैया साथ में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है भैया? हाँ। तो आज भैया भी मिक्स कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हो ना? आज मैं भी मिक्स कर रहा हूँ। भैया को मैंने अपना सब्सक्राइबर बना दिया अभी, जस्ट यूट्यूब खोल के। मैं सही बताऊँ ना कि मेरा मसल मास थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कंडीशनिंग इतनी ज़्यादा नहीं गई है, देख रहे हो आप, ठीक है। एक डिसेंट मसल मास मैंने अभी भी कैरी किया हुआ है, बट हाँ कंडीशनिंग चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले भी बोल रहा है कई बार, मुझे हल्की सी फैटी बॉडी पसंद है, तो उसी के लिए मेहनत करेंगे। You're
strong, feel it in my bones. I'm coming for the, coming for the home. I'm coming for the throne. जी कुछ भी खास गई नहीं है अभी, लेकिन हाँ टाइम की कमी है थोड़ी सी, बट मैनेज हो जाएगा, कोई नहीं, यही एनर्जी चाहिए। ठीक है, अच्छा लग रहा है पुराने रूटीन में आके। ठीक है, मुझे यार सच बताऊँ, मुझे हैवी वेट लिफ्ट करना ज़्यादा पसंद है। हैवी वेट मतलब मेरी अपनी बॉडी के हिसाब से, लाइट वेट में मुझे इतना मज़ा नहीं आता सही बताऊँ तो। लेकिन हाँ एक चीज़ है, जैसे कि अभी मैंने चेस्ट में लास्ट में बेल्ट यूज़ की थी, बैक में हल्का सा प्रेशर जा रहा था। ठीक है, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टच वुड, मैं चाहता भी नहीं हूँ हो, इसलिए डेडलिफ्ट ऑलमोस्ट मैंने छोड़ दी है सच बताऊँ तो। ठीक है, मेरा पुल ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब इन कंपेरिजन टू अदर्स ठीक ठाक है, मेरा दोस्त ही बोलते हैं और मुझे भी पता है कि मेरा पुल ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट फिर भी डेडलिफ्ट मैंने ऑलमोस्ट छोड़ दी है, केवल इसलिए कि भाई हमें फिट रहना है, कोई कंपटीशन नहीं लड़ना है। ठीक है, इन द टाइम भी आगे कोई प्लान बनता है तो पता नहीं, प्लान चेंज होते रहते हैं भाई। मैंने जैसे कि लास्ट टू लास्ट वीडियो में ही बोला था, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ, कुछ नहीं पता मैं आगे क्या करूँगा, कुछ भी नहीं पता। तो जब तक कि कोई ऐसा खास प्लान नहीं है, डेड लिफ्ट केवल एक अकेली एक्सरसाइज है जो कि मैंने छोड़ दी है, बाकी सब कुछ चलेगा। चलो अब शोल्डर करते हैं। Speed, I'm sorry.
ख़त्म, एक चेस्ट उसमें ड्रॉप नहीं था, चार सेट, एक बैक, बैक में ड्रॉप चार सेट, शोल्डर ड्रॉप चार सेट, ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, मज़ा आ गया। भाई कहते हैं ना एक नशा हर किसी को अलग अलग चीज़ का होता है, ये अलग नशा है, ठीक है, इसका कोई तोड़ नहीं है, जो लोग हैं ठीक है इनटू फिटनेस वो लोग समझ सकते हैं, अच्छी तरीके से रिलेट करेंगे, इस चीज़ का कोई तोड़ नहीं है, सीरियसली मज़ा आ गया, ठीक है। एप्स करना चाहता हूँ लेकिन टाइम नहीं है तो नहीं करूँगा, मुझे पता ही था एप्स हो ही नहीं पाते, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, इतना टेंशन नहीं लेता हूँ एप्स के लिए क्योंकि मेरा कार्डियो ऑलमोस्ट हो जाता है, डेली 5-6 किलोमीटर में चल लेता हूँ कैसे भी, चाहे घर पे या रोड पे, तो फिट रहता हूँ, शार्पनेस नहीं है वो एक चीज़ अलग है, ठीक है। बॉडी चेक मिल जाएगा आपको इस वीडियो में, वेट अभी मैं देख लूँगा कितना है मेरा, 72 समथिंग होना चाहिए, 79 तक मैं जा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन होली के बाद से फिर से कोशिश करेंगे, गर्मियाँ आ रही हैं, मेरे साथ उल्टा है भाई, सर्दियों में मेरा वेट गिर जाता है, गर्मियों में ठीक ठाक सा गेन होने लगता है। तो भाई आज की वीडियो यहीं तक थी, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो भाई, ठीक है, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, अब टाइम मैंने चेंज कर दिया, सारे दोस्त लोग मिलेंगे तो किसी के भी हाथ में फ़ोन कैमरा पकड़ा के अपना वीडियो बना सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ठीक है भाई, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और अगर कोई कमी लगती है या फिर किसी टाइप की वीडियो आपको चाहिए, वर्कआउट पूरा वर्कआउट जैसे आज मैंने जो भी किया पूरा दिखाया है, ठीक है, जिम में कोई नहीं था, ट्राइपॉड सेट करके अपना पूरा दिखा दिया है मैंने, ठीक है, टाइम ज़रूर जाता है थोड़ा बहुत लेकिन हाँ बना सकते हैं, तो ठीक है, कमेंट करो कोई कमी लगती है या फिर कुछ ऐसा चाहिए जो मैं कर सकता हूँ, थोड़ा सपोर्ट दिखा दूँ तो और अच्छा होगा भाई, ठीक है, थैंक यू सो मच।